उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। रोहित शेखर व उनकी मां उज्ज्वला को मोबाइल में बातचीत रिकॉर्डिंग करने की आदत थी। अब यही आदत अपूर्वा के खिलाफ बड़ा सबूत बन गई है। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्डिंग को आरोप पत्र का हिस्सा बनाया है। पुलिस ने रोहित व उज्ज्वला के मोबाइलों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारियों के अनुसार रोहित शेखर तिवारी को हमेशा मोबाइल में बातचीत को रिकॉर्डिंग करने की आदत थी। पुलिस को रोहित के मोबाइल से 10 से 12 ऐसी मोबाइल रिकॉर्डिंग मिली है जिनमें रोहित कह रहा है कि उसकी जान को अपूर्वा से खतरा है और अपूर्वा उसे मार देगी। रोहित ने मोबाइल पर बात करते हुए कई लोगों से कहा। इसके अलावा रोहित की माँ उज्ज्वला के मोबाइल से भी कुछ रिकॉर्डिंग मिली है। उज्ज्वला के मोबाइल रिकॉर्डिंग से पता चल रहा है कि रोहित की जान को खतरा है। पुलिस ने रोहित और उज्ज्वला के मोबाइलों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक जांच से ही पता लगेगा कि रिकॉर्डिंग में आवाज रोहित की है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्डिंग को अपनी चार्जशीट का हिस्सा बताया है। रोहित की आवाज स्पष्ट होने के बाद रिकॉर्डिंग अपूर्वा के खिलाफ अहम सबूत बन जाएगी। पुलिस बातचीत रिकॉर्डिंग को भी इसलिए अहम सबूत मान रही है कि ये सिद्ध हो सके कि अपूर्वा व रोहित के बीच शादी के बाद ये झगड़ा होता था। ये झगड़ा रोहित की हत्या का मुख्य वजह बनी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रोहित को जब हार्ट अटैक आया था और मैक्स में भर्ती था, उस समय अस्पताल में रोहित व अपूर्वा का झगड़ा हुआ था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।